हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईके सीएनसी इन्फॉर्मेशन पे स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज के वीडियो में हम इसका ओडी या आरडी का फिनिश का प्रोग्राम देखने वाले थे G41 G42 से, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे G41 और G42 यूज कैसे करना है हमें, और ज्योमेट्री ऑफसेट में आर और टी दिया रहता है वो हमें कब यूज करना रहता है और उसे कैसे यूज करना है, उसके अंदर क्या वैल्यू डालना है आज की वीडियो में दोस्तों हम ये देखेंगे। क्योंकि वीडियो दोस्तों बना प्रोग्राम जब बनाता हूँ उसके बीच में सब डिटेल देने के चक्कर में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कल का वीडियो देख लीजिए, 30 मिनट का वीडियो है आईडी टर्निंग का जो मैं G71 से प्रोग्राम बनाया हूँ वो 30 मिनट का वीडियो है। जो कि मैं वीडियो जो रिकॉर्ड किया था वो 45 मिनट का वीडियो था दोस्तों, उसको मैं एडिट कर करके वो 30 मिनट तक लेके आया था। तो इसी वजह से मैं आज की इस वीडियो में हम प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, हम G41 G42 देखेंगे हमें यूज कैसे करना है, और ज्योमेट्री ऑफसेट में G41 G42 जब यूज करेंगे तो हमें वहां पे क्या डालना है और उसे कैसे यूज करना है। तो दोस्तों वीडियो छोटी होगी लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों, अच्छी वीडियो है आप लोगों के लिए। डिटेल आपको हर कोई नहीं देगा दोस्तों, जो मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ ये आपको हर जगह ये डिटेल नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो भले ही छोटी हो लेकिन वीडियो नॉलेजेबल है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों G41 G42 और G40, ये तीनों क्या है। G40 G41 G42 ये तीनों हम कब और कैसे यूज करते हैं और कहां यूज करते हैं पहले हमें ये देखना दोस्तों। G41 G42 तो ज्यादा कुछ है नहीं, इसके अंदर आगे क्या दिया रहता है G41 के आगे हम देखेंगे तो हमारा जो कोडिंग का लिस्ट रहता है उसमें क्या है, G41 टूल नोज रेडियस लेफ्ट G41 के आगे, और G42 के आगे क्या लिखा रहता है टूल नोज रेडियस राइट, बराबर, और G47 टूल नोज रेडियस कैंसर, यही डिटेल लिखा रहता है ये तीनों के आगे। टूल नोज रेडियस लेफ्ट मतलब हमें जैसे G02 और G03 था, जैसे G03 कैसा था घड़ी के विपरीत दिशा में रेडियस मारने के लिए हम यूज करते थे, और G02 घड़ी के दिशा में यूज करने के लिए हम यूज करते थे, वैसे ही G41 G42 भी है दोस्तों। G41 कैसा है, घड़ी के दिशा में हमें टूल नोज रेडियस जो कंपेंसेशन दिया हुआ है घड़ी के दिशा में यूज करने के लिए G41 लेफ्ट है, और G42 टूल नोज रेडियस राइट है, बराबर। और ये हमारा जो G41 G42 का कोड है, मैंने एक कोडिंग का वीडियो बनाया हूँ, जी कोड और एम कोड पूरा डिटेल दिया हूँ, उसके अंदर पूरा डिटेल है G41 G42 का। ये मैं फिर भी आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मेरा मेन मकसद था ज्योमेट्री का दिखाना और अपना टूल का जो आर और टी दिया रहता है ज्योमेट्री ऑप्शन में वो क्या है वो बताना, लेकिन मैं सोचा आज की वीडियो में हम ये भी क्लियर कर देते हैं। और अगर आप लोगों में से अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं कोडिंग का तो उसमें आप जाके देखिए, क्योंकि वो कोडिंग का जो वीडियो है मैं वही कोड यूज की लिया हूँ जो अपना सीएनसी मशीन में यूज होता है, और बहुत अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन किया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। G41 G42 क्या है, G41 टूल नोज रेडियस लेफ्ट टूल नोज रेडियस राइट, हमें इन दोनों को जब हम यूज करेंगे प्रोग्राम में तो उसको कैंसिल करने के लिए G40 लगाना पड़ता है नीचे दोस्तों, मैं अभी आगे बताता हूँ इसको, ठीक है। हम जाएंगे दोस्तों मेन ज्योमेट्री ऑफसेट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दोस्तों आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं और ये डिटेल हर कोई आपको देगा नहीं। तो हमारा ज्योमेट्री ऑफसेट जो रहता है, एक मिनट दोस्तों, जैसे कि ये हमारा ज्योमेट्री ऑफसेट हो गया, मिसाल के तौर पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। जैसे ये मेरा ज्योमेट्री लिख दिया मैंने यहां पे, बराबर इधर नंबर हो गया, इधर एफ जेड आर टी, ज्योमेट्री में इधर ऊपर लिख दिया थोड़ा,
जगह कम होने की वजह से, यहाँ पे मैंने नंबर डाला है, यहाँ हमारा टूल नंबर रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और भी रहते हैं, कोई कोई मशीनों में 12-12 टूल, 10-10 टूल रहते हैं, लेकिन मैं 8 तक ले आऊँ, ठीक है। एक दिन हमारा एक्स का वैल्यू आ जाता है, एक माइनस जो भी पकड़ लीजिए 240.30 जो भी है वैल्यू डाल देते हैं, जेड माइनस जो भी वैल्यू है 300 पकड़ लीजिए, जो भी है, जेड रहता नहीं आगे लेकिन मैं डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या डालना रहता है और यहाँ क्या डालना रहता है, मेन हमारा मकसद है दोस्तों आर और टी का वैल्यू जानना, क्योंकि जब हम मैनुअल प्रोग्राम बनाएंगे फिनिश का G41 और G42 से, तो ये दोनों हमें यूज होने वाले हैं। ये दोनों के बगैर हम मैनुअल प्रोग्राम में G41, G42 नहीं यूज कर सकते दोस्तों, तो इसके लिए मैं ये वीडियो आज बनाया हूँ, क्योंकि प्रोग्राम जब बनाऊंगा तो उसके बीच में मैं ये बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वीडियो जब लंबी हो जाती है तो आप लोग अक्सर करके वीडियो पूरा देखते नहीं है, वीडियो स्किप करके देखते हैं या आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, तो उससे आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, इसकी वजह से मैं वीडियो ये आज अलग किया हूँ। आर और टी मेन मकसद है मेरा आज की वीडियो में ये दोनों के बारे में बताना दोस्तों, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट हम इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो इंसर्ट रहता है, जैसे पकड़ लीजिए TNMG हो गया, हाँ TNMG हो गया या VNMG हो गया, ठीक है, TNMG VNMG कोई भी इंसर्ट आप पकड़ लीजिए, ये कॉर्नर पे रेडियस रहता है 0.8, या फिर 0.4 पकड़ लीजिए, ये इंसर्ट के कॉर्नर पे रेडियस रहता है, बराबर। इसीलिए हम यूज करते हैं G41, G42, ये रेडियस जो दिया रहता है। तो हमें जब जैसे कि हमारा ये जॉब हो गया, ये फेस है, यहां पे रेडियस दिया है, यहां पे भी रेडियस दिया है, या फिर यहां पे चंपर दिया हुआ, यहाँ पे रेडियस दिया है, यहाँ पे रेडियस दिया है, यहाँ पे चंपर दिया है, यहाँ पे रेडियस जैसे 2 mm का दिया दिया R2.0, इधर चंपर दे दिया 2.2 × 45, बराबर। तो हम जब मैनुअल प्रोग्राम बनाएंगे और रेडियस, जैसे कि कल का वीडियो मैंने बनाया है प्रोग्राम G71 का RD OD का दोनों का, तो उसमें मैंने जो रेडियस यूज किया, जो कोऑर्डिनेट मैंने डाला है, रेडियस कितना था R1 का जो रेडियस मैंने दिया था 1.0, और 30 का जैसे ये ओडी का वीडियो पकड़ लीजिए, 30 का डायमीटर, तो मैंने 28 से स्टार्ट किया था और R1 का रेडियस डाला था, बराबर। अगर मैं R में और T में G42, G41 से मैं मैनुअल प्रोग्राम बनाऊंगा, अगर मैं ये रेडियस यहाँ पे नहीं डालूंगा और T टाइप नहीं डालूंगा, तो हमारा रेडियस और जंपर दोनों बराबर नहीं आएगा दोस्तों। G41, G42 से अगर मैं प्रोग्राम बनाने जाऊंगा, तो ये जो टूल नोज रेडियस है यहाँ पे हमको डालना है और टूल टाइप डालना है, हाँ, तभी जाके हमारा ये रेडियस, चाहे आईडी का हो चाहे ओडी का हो, रेडियस हो या चैम्पर हो, दोनों बराबर नहीं आने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या डालना है, ज्यादा घुमा फिरा के बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टूल नोज रेडियस दिया हुआ है, इसको कैंसिल करने के लिए, जैसे ये रेडियस मैं भी बताया, ये कॉर्नर पे रेडियस दिया है R1.0, तो मैं प्रोग्राम में, अभी प्रोग्राम तो बनाया नहीं, जब प्रोग्राम बनाऊंगा तो उसमें मैं अच्छे और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि अभी इसको पूरा डिटेल बताने के लिए पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो R1.0 जो रेडियस दिया है, और जो प्रोग्राम में मैं बनाऊंगा प्रोग्राम, और R1.0 Z-1.0 जो भी कोऑर्डिनेट मैं दूंगा रेडियस का, अगर मैं टूल नोज रेडियस मतलब G41 या G42 कोड लूंगा, हाँ, तो ये रेडियस को कैंसिल करने के लिए लूंगा, ये जो अपना टूल नोज रेडियस, तो अपना इंसर्ट के पॉइंट पे जो रेडियस रहता है, इंसर्ट के पॉइंट पे जो रेडियस रहता है, उसको कैंसिल करने के लिए ये कोड हम यूज करते हैं G41 और G42, इंसर्ट के कॉर्नर पे जो रेडियस रहता है उसे कैंसिल करने के। अगर मैं इसको G41, G42 कोड के बगैर, दोनों कोड के बगैर मैं मैनुअल फिनिश प्रोग्राम बना दूंगा, और जो कोऑर्डिनेट मैंने डाला था, प्रोग्राम बनाया हूं या कल बनाऊंगा, अगर मैं G41, G42 बगैर यूज किए बनाऊंगा, तो
तो ये टूल नोज रेडियस इसमें ऐड आएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये रेडियस मेरा 1 mm का नहीं आएगा, वो रेडियस आएगा 1.5, 1.8, मतलब 1 mm से प्लस ही आने वाला, ऑलमोस्ट 1.8 आएगा अगर 0.8 का इंसर्ट है तो, अगर 0.4 का इंसर्ट है तो 1.4 आएगा, मतलब आपका रेडियस प्लस ही आएगा, परफेक्ट 1 mm नहीं मिलेगा आपको। तो वो परफेक्ट लाने के लिए हम G41 और G42 कोड यूज करते हैं टूल नोज रेडियस कैंसिल करने के लिए, टूल नोज रेडियस लेफ्ट, टूल नोज रेडियस राइट। तो हमारा जब टूल स्टार्ट होगा, जैसे ये हमारा जॉब है, ये हमारा जॉब है, तो यहां से शुरू होगा तो राइट में यूज होगा, ये राइट से स्टार्ट हुआ, बराबर राइट साइड से स्टार्ट हुआ ना ऐसा। और जब हम आईडी जाएंगे तो ये हमारा घड़ी की दिशा में, तो टूल नोज रेडियस लेफ्ट, मतलब G41 यहां यूज करेंगे हम, और यहां यूज करेंगे G42, बराबर टूल नोज रेडियस राइट और टूल नोज रेडियस लेफ्ट, बराबर ना। तो हम यहां पे यूज करेंगे, और इसको यूज क्यों करते हैं, अपना इंसर्ट का जो पॉइंट का रेडियस रहता है उसे कैंसिल करने के लिए हम G42, G41 यूज करते हैं। और जब हम इसको स्टार्टिंग में यूज करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। और जब मैं G42 से स्टार्ट किया प्रोग्राम, मैंने ओडी का बना दिया, उसके बाद जब हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा, खत्म होगा, तब फिर हम नीचे क्या डालेंगे, G01, G40, यस जो वैल्यू रहेगा 62.0, जेड जो रहेगा वो डालूंगा। तो मतलब लास्ट में G40 में डाल के टूल नोज रेडियस जो कैंसिल का कोड मैं यूज किया हूँ प्रोग्राम में, उसको कैंसिल करने के लिए G40 डालना पड़ेगा, G40 डालना कंपलसरी है। अब हम देखेंगे दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो आपको परफेक्ट कभी और समझ में आएगा जब भी मैं इसका प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आर क्या रहेगा दोस्तों, जैसे कि मेरा एक नंबर टूल मैंने प्रोग्राम में यूज किया T0101 और G42 में यूज किया, ओडी का मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ मैनुअल फिनिश, हाँ, तो मैं कौन सा इंसर्ट से फिनिश करूंगा, VNMG 0.4 से मैं ओडी फिनिश करूंगा। तो मेरा एक नंबर टूल है, EXZ का तो ऑफसेट लूंगा ही, वो तो कंपलसरी है, लेकिन R में मैं इधर डालूंगा 0.4। मैं G41, G42 कोड जब यूज करूंगा तो R में हमें यह बताना पड़ेगा कि हमारा कौन सा इंसर्ट है, 0.4 है या 0.8 है, 0.8 भी रहेगा चलेगा, लेकिन हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा 0.8 है, लेकिन 0.8 हर जगह आपका नहीं चलेगा, हाँ, ऑलमोस्ट 0.4 से ही हम फिनिश प्रोग्राम बनाते हैं और फिनिश के लिए यूज करते हैं 0.4, और कहीं कहीं जब रेडियस हमारा 0.4 के अंदर दिया रहता है तो वहां पे हम यूज करते हैं 0.2 का इंसर्ट, ठीक है। तो हम ज्यादातर 0.4 का ही इंसर्ट यूज करते हैं, तो जितना हमारा 0.4 का इंसर्ट है तो इधर 0.4 डालना पड़ेगा आर में, हाँ। और जब हम ओडी में यूज करेंगे G42, तो हमारा स्टैंडर्ड टूल जो रहता है उसमें हम यूज करेंगे टी में क्या यूज करेंगे, टी में यूज करेंगे 3 एक्सटर्नल के लिए, और इंटरनल के लिए जब यूज करेंगे, जैसे हमारा 3 नंबर या 5 नंबर का टूल हमारा इंटरनल हो गया, इंटरनल के लिए हम 5 नंबर टूल यूज किए, तो आर में भी हम वही देखेंगे हमारा इंसर्ट का रेडियस का पॉइंट कितना, 0.4, 0.8 या 0.2। तो अगर हमारा 0.4 है तो इधर भी आर में 0.4 हमें डाल के मेंशन करना पड़ेगा दोस्तों कि हमारा इंसर्ट 0.4 का है। और टी में डालेंगे, टी टाइप क्या रहेगा हमारा इंटरनल के लिए 2 आएगा दोस्तों। आपका G41 और G42 जब कोड हम प्रोग्राम में बनाएंगे तो ये डालना जरूरी है और ये भी डालना जरूरी है, तभी जाके आपका परफेक्ट कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपका जॉब परफेक्ट आएगा, रेडियस, चैम्पर और स्टेप भी। स्टेप मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस, आपके जॉब के फेस आया है, फेस के आपके जॉब के फेस पे स्टेप आएगा, रेडियस बराबर नहीं आएगा, चैम्पर बराबर नहीं आएगा, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे अगर तुम G41, G42 कोड यूज कर लेते हो और रेडियस नहीं डालते हो। तुम्हारा अगर जैसे कि इधर 0.4 का इंसर्ट यूज कर रहे हो, यहाँ पे 0.8 डाला हुआ है, या यहाँ टाइप 2 डाला हुआ है, टाइप 3 चाहिए हमें, तो उससे प्रॉब्लम आएगा। तो ये चीज मैं आज आप लोगों को बताने के लिए दोस्तों आज का वीडियो मैं बनाया है। अब इसको हम समझेंगे कल के वीडियो में भी, जब हम इसका ओटी का प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। ज्यादा तो है नहीं इसको समझने के, टाइप टी ये तो आपको समझ गया आ गया होगा, इंटरनल के लिए 2 और एक्सटर्नल के लिए 3, मतलब आईडी के लिए 2 और ओडी के लिए 3 डालना जरूरी है। और आर हमारा टूल का रेडियस का पॉइंट मतलब कितने का है, 0.4 का है,
0.4 डालना है, 0.2 है तो 0.2 डालना है, 0.8 है तो 0.8 डालना है। ठीक है दोस्तों, ये रहा ज्योमेट्री का आर और टी का डिटेल। कल हम इस जॉब का ओडी का फिनिश का प्रोग्राम बनाएंगे मैनुअल G42 कोड यूज करके, फिर हम उसमें भी दिखाएंगे आपको आर और टी का क्या डालना है हमें। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबा टेक केयर।